ये 450 पुराना टेंपल बताया उन्होंने मेरे को। ये हमारे हिंदू धर्म में जो पगले कहा जाते हैं। तो गाइस ऐसा है कि जोधपुर को पहले मारवाड़ के नाम से भी जाना जाता था। जो इसकी स्थापना राव जोधा हुआ करते थे, तो उन्होंने 12 मई 1459 में इस शहर की स्थापना की थी। पहले ये एक नगर के रूप में था। जब इस शहर की संख्या 10 लाख से भी ज़्यादा हो गई, तब 10 लाख को भी पार कर गई, तो इस शहर को राजस्थान का सबसे बड़ा दूसरा महानगर घोषित कर लिया गया। उस वजह से राव जोधा जोधा के नाम के ऊपर इस शहर का नाम जोधपुर रखा गया। अब जोधपुर को लोग कई नामों से बोलते हैं। जोधपुर को ब्लू सिटी भी कहा जाता है और सन सिटी भी कहते हैं। ब्लू सिटी इसलिए कि जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि भाई चारों तरफ यहाँ पे जो ये पुराना शहर है, नया शहर कुछ और बना हुआ है, वो नई नई बिल्डिंग नई तरीके से बच चुकी है। जैसे आजकल डेवलपमेंट हो रही है तो शहर भी डेवलप हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो पुराना लोग हैं उन्होंने अपनी जो संस्कृति है उसको संभाल कर और संजो कर रखा हुआ है। मकानों पे ब्लू कलर है और बहुत ही अद्भुत और सुंदर दृश्य दिखाई देता है। सारे मकान तो नहीं कह सकते, लेकिन तकरीबन लोगों ने अपने मकान को नीला रंग से पोता हुआ है, तो इसलिए इसको ब्लू सिटी भी कहा जाता है। और का अट्रैक्शन का एक केंद्र है। लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं देखने, जैसे कि मैं भी आया हूँ और आपको अपने कैमरे के माध्यम से दिखा रहा हूँ। तो काफ़ी लोग भी आए और अच्छा भी लग रहा है देखने में, आँखों को ठंडक लगती है। और ये ब्लू कलर का मेरे हिसाब से जो मेरा ओपिनियन है, मुझे लगता है कि यहाँ पर जो धूप है ना, इस समय 21 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है और 10:50 टाइम हो रहा है, लेकिन जो धूप है वो चीरती भी आ रही है। मतलब जैसे कहते हैं ना काटना, वो प्रॉपर काट रही है। ह्यूमिडिटी नहीं है लेकिन धूप बहुत चुभ रही है। जो जब धूप चुभती है तो ये मकानों की दीवारों को मेरे थिंक से ये नीला रंग जो है जो एक आँखों को भी कूलनेस दे रहा है, और जिससे कि हमारी आँखें खुल पा रही हैं। और दूसरा शायद अंदर का जो वातावरण है, टेम्परेचर है, वो कुछ ठंडा रहता होगा, क्योंकि धूप की वजह से इस शहर को सन सिटी भी कहा जाता है। तो कहीं जगह गोल्डन कलर उस तरीके से भी नज़र आता है। आई थिंक सो सन सिटी का यही रीज़न होगा। और ये जो ब्लू कलर है उसके रीज़न, इसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न होगा, क्योंकि इस वजह से तो लोग कोई नीला रंग करते नहीं, और जब नीला रंग किया है तो ये ब्लू सिटी बनी गई, तो इसके पीछे भी कुछ ना कुछ 100% कुछ ना कुछ इनका साइंटिफिक इफेक्ट ज़रूर होगा, नहीं तो लोग इस तरह ब्लू कलर करते थे। मेरा तो जो अनुमान मैंने लगाया है कि धूप बहुत तेज है, दीवारों को चीरती हुई, तक आँखों को ठंडा रहे और घर भी ठंडे रहें, इसका यही रीज़न होता है। रिलैक्सिंग ये है जिन्होंने हमें खाना सर्व किया है।
ये जज सिंह जी हमारे सांभर देना भूल गए थे तो हमने सारा डोसा चटनी से ही खा लिया। जज सिंह जी ने बोला है कि यहाँ से मतलब पास में ही फोर्ट है और फोर्ट के बाद उमेद पैलेस है, तो ये फोर्ट पे कोई टिकट विकट भी है दोनों में? टिकट भी है, म्यूजियम में है। इसमें यहाँ से ऑटो का क्या भाड़ा लगेगा अभी इस फोर्ट पे जाने के लिए? इसमें तो 400 किस वाले फोर्ट में? हाँ ऑटो से। हाँ ऑटो, ऑटो से नहीं, पैदल वॉकिंग। अच्छा वॉकिंग है बस, जस्ट यहीं पे गेट है सामने, ठीक है 1.5 किलोमीटर। और इसके बाद उमेद भवन में जाने के लिए क्या रेंट? वहाँ से ऑटो है और वहाँ से कम से कम 100-150 रुपये। सिंह को सुना इन्होंने, अच्छा मेरे को बताया, क्योंकि अगर ऐसे अगर कभी आप आए तो जहाँ रेस्टोरेंट में बैठते हैं तो वहाँ पूछने से क्या आप भटकोगे नहीं, तो आपको थोड़ी सी नॉलेज मिलती है। तो चलिए आगे की वीडियो शुरू करते हैं जैत सिंह जी के बताए तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद जैत सिंह जी। ये मेहरानगढ़ जा रहा हूँ मैं अभी, दिन के 11:27 हो गए हैं और मौसम बहुत अच्छा है। मतलब मेरे को जहाँ तक अंदाजा है, जो मैंने हिसाब लगाया था, जैसे बताया था कि ब्लू कलर का यही मतलब है कि आंखों को ठंडक मिले। और ये देखिए बहुत सुंदर तरीके से लोगों ने अपने घर को रंग किया हुआ है। यही है कि धूप जो चिलचिलाती पड़ती है तो आंखों पे ठंडक दिखे, उस वजह से मुझे लगता है कि ब्लू कलर का पेंट यहाँ कराते हैं लोग। राम राम जा, राम राम है? राम राम हेलो, राम राम भाग्य पहले भाग्य उठ गया, भाग्य पहले ही मगर ने जाई। राम राम सा, राम 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 राम। गाइस फाइनली चढ़ते किले पे पहुंच ही गए। इसको फतेह पॉल के नाम से जाना जाता है, जो 1770 में मारवाड़ के मुगलों में जीतने की याद में महाराज अजीत सिंह ने निर्माण कराया था। तो चलिए देखते हैं महाराजा अजीत सिंह के निर्माण की कुछ तस्वीरें और कुछ किले की झलकियां। ये प्रवेश द्वार है, बहुत बढ़िया भाई। टिकट यहीं से मिल जाएगी सब? आगे मिलेगी स्टिक? अच्छा स्टिक हटा लूं, एक सेकंड। हे गाइस हाय, ये गेट की एंट्री में अभी सिक्योरिटी में मैंने अपना बैग चेक करा लिया है। इंस्ट्रक्शन है कि अगर आप कभी यहाँ आए तो कैमरा अलाउड नहीं है, और सेल्फी स्टिक अगर आपके पास है तो सेल्फी स्टिक भी आप यूज़ नहीं कर सकते। तो और खाने की चीज़ें ना खाएं, क्योंकि यहाँ आसपास बंदर बहुत है, तो उससे आप ही को नुकसान है। तो चलिए आगे चलते हैं गाइस। ये उस ज़माने के दरवाजे, लंबे लंबे कीले निकले हुए ताकि दुश्मन जब हमला करे, हाथी से टक्कर मारे, तो ये कीले उनमें घुस जाए। तो साहब सही बात है ना, कीले इसीलिए थी ना, हाथी टक्कर मारे तो हाथी के सर में घुस जाए। चलो जी अच्छा बात, धन्यवाद साहब। इतने ऊपर चढ़ना है अभी, चढ़ते हैं भाई। कहते ना कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। अब वो गाना याद आ रहा है, सांस भर गया भाई साहब मेरे तो, अभी से जरा सा चला हूँ नहीं। इससे पता लगता है कि स्टेमिना क्या है, ख़त्म हो चुका। बनाएंगे धीरे धीरे, आप लोगों का प्यार रहा,
तो धीरे धीरे बिल्कुल बनाएंगे, ज़रूर बनाएंगे, ऐसे नई नई जगह एक्सप्लोर करेंगे, आपको दिखाएंगे, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, चलेंगे तो स्टैमिना भी बनेगा। गाइस फतेहपुर पोल से जो दूरी है महल की वो 4 किलोमीटर है। ये जगह जगह आपको ऐसे छोटे छोटे मंदिर मिल जाएंगे और ये महल राजा महाराजा तभी हाथी घोड़ी से चढ़ते थे यहाँ पे कि वो थकते नहीं थे क्योंकि ऊंचाई काफ़ी है। 4 किलोमीटर बता रहे हैं फतेहपुर पोल से महल तक। चलो हम भी चलते हैं 4 किलोमीटर। ये सिक्योरिटी कर्मी भाई आते हुए राम राम करते हैं जी, इनको भी राम राम जी, राम राम, और ठीक हो? थोड़ी देर इस पेड़ की ठंडी छाव में रुक जाता हूँ। गिलहरी रानी खाना खा रही है। देखिए कितनी दूर तक इसकी दीवारें आपको नजर आएंगी फैली हुई। पहले कुछ ना कुछ होता होगा। वो बावड़ी सी दिख रही है, शायद वो कुआं है, वो आपको गोल व्हील सा दिख रहा होगा। दूर दूर तक दीवारें फैली हुई हैं, बड़ा लंबा चौड़ा महल रहा होगा। भाई मज़े थे राजा महाराजा के भी उस ज़माने में, फुल ज़िंदगी ऐशो की, बहुत मज़े मारे होंगे राजा महाराजा ने भी, ऐश की ज़िंदगी जी है। बहुत सुंदर राम राम साहब।